सबका प्रणाम। आप ठीक है? बढ़िया। आपको इंतजार कराया तो आपने वीडियो में देखा था ट्रांसफार्मर रखने के बाद। जी जी सर, आज आपका यहाँ पर विजिट हुआ और किस विषय पर विजिट हुआ और क्या क्या मुद्दे थे जो आज आपने यहाँ सुने और किस तरीके से जनता को जो है अवेयरनेस करना चाहते हो? आपने देखा कि आज हमने डंडेसर लंबेड़ी में जो है इस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप का मीटिंग किया। यहाँ के लोगों के इनविटेशन पे यहाँ के कुछ मसले थे जो हमें आपस में डिस्कस करने थे, इस सिलसिले में आज हमने मीटिंग की। अब मीटिंग में बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो लोगों ने हमारे सामने लाए। ऑलरेडी इस बारे में जो इश्यूज लोगों ने हमारे सामने लाए हैं, हम इनको कंसर्न डिपार्टमेंट्स के नॉलेज में लाएंगे और जो पर्टेनिंग टू पुलिस है उस पर पुलिस जो है वो सख्ती से कार्रवाई करेगी। लोगों को हमने ये रिक्वेस्ट किया कि जो पब्लिक है उनको अपनी जगह पे वो आइज और ईयर्स हैं पुलिस के, उनको हमारे साथ पूरा कोऑपरेट करना चाहिए। एंटी नेशनल एंटी सोशल एलिमेंट्स के बारे में वो हमें जो इन्फॉर्म करें। पुलिस ऑलरेडी इस काम पे लगी है और हम जो हैं जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी एंटी नेशनल एंटी सोशल एलिमेंट्स के बारे में उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ड्रग्स के रिलेटेड हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है, जो भी थोड़ा भी मुलविस पाया जाएगा चाहे वो किसी तरह का भी ड्रग्स हो उस पर भी कार्रवाई होगी। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमने जो है ड्रग पेडलर्स को डिफरेंट प्लेसेस पे पकड़ा और उनको सलाखों के पीछे जो है वो भेजा। आने वाले दिनों में भी ये कार्रवाइयाँ सख्ती से होंगी। ट्रैफिक वायलेशन जो करेगा जितने जो भी कम्यूटर्स हैं उनके अगेंस्ट भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। लोगों को आपस में भाईचारा कायम रखना चाहिए और पुलिस के साथ ताउन करना चाहिए। पुलिस का हर बुराई के अगेंस्ट जो है वो सख्ती के साथ पुलिस निपटेगी और जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है पुलिस उस पर मेहनत करके उसको पूरा उतरने की कोशिश करेगी। सर, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गाड़ियों की बात आई है तो उस पर रेट लिस्ट भी जो नहीं है और किराए भी जो हैं वो वसूले जा रहे हैं। ट्रैफिक विभाग से हम बात कर रहे हैं पर अभी तक कोई बड़ा कदम जो है वो नहीं दिखने को मिल रहा। जनता जो है वो कहीं ना कहीं परेशान है। जो रेट लिस्ट है, जो फेयर्स है व्हीकल्स के, ये जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसकी लिस्ट निकालता है। पुलिस का काम जो उसको चेक करना। अगर आपको पब्लिक को अगर लगता है कहीं पे कि किसी से ज़्यादा किराया लिया गया, आप हमारी नोटिस में लाएं, हम उसके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारे पास न्यू मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 का है, उसके तहत जो है हर वायलेशन का, ये गवर्नमेंट ने इसीलिए इसमें अमेंडमेंट लाई कि जो वायलेशन है उसमें जो फाइन है वो एनहांस किया है, जो फाइन है वो ठीक ठाक है। जो भी किसी तरह की भी मोटर व्हीकल्स एक्ट में वायलेशन करेगा इसके सेक्शंस की तो फाइन उसको किया जाएगा, गाड़ी सीज भी होती है और फाइन जो है वो ठीक ठाक है। तो जहाँ पे आपको लगता है कि किसी तरह से भी आपके जो राइट्स हैं उसकी वायलेशन हुई, आप हमारे नॉलेज में वो लाएं, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। वैसे जो है पुलिस लगातार चालान कर रही है ट्रैफिक वायलेशंस के अगेंस्ट, और अगर आपका भी कोई किसी पब्लिक का कोई भी ग्रीवांस इस सिलसिले में है वो हमारी नॉलेज में लाएं, हम उसमें और सख्ती से कार्रवाई करेंगे। ये सर जो आपका आज प्रोग्राम है, क्या ये हर पंचायत में होगा? ड्रग्स को लेकर हम देख रहे हैं कि पुलिस बड़ी कार्रवाई कर रही है, तो क्या लोगों को इसी तरीके से अवेयर करने का कोई प्रोग्राम है पुलिस का हर पंचायत में? पुलिस जो है लगातार, पुलिस जो है कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप मीटिंग्स कर रही है, लगातार करती है। आपने देखा होगा कि थाना दिवस हम हर सेकंड थर्सडे को मंथ की वो करते हैं डिफरेंट पुलिस स्टेशन लेवल्स पे, वो लास्ट थर्सडे जो होता है मंथ का, ये गवर्नमेंट ने हमें मैंडेट दिया है। गवर्नमेंट की जो भी डायरेक्शन है हम वो काम करते हैं और पब्लिक का जहाँ पर भी जिस कोने में जो भी इशू होगा हम उनके बीच में जाएंगे और जो भी हमारा फर्ज बनता है ड्यूटीज़ है वो की जाएगी ताकि लोग जो है कन्वीनियंस के साथ, अमन के साथ और पूरे जो है आपस में भाईचारे के साथ विदाउट क्राइम जो है पीसफुली रह सके और सो सके। थैंक यू सर।